हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज डिस्कस करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी बी टू बाईस जनवरी दो हज़ार उन्नीस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पेपर एनालिसिस के सेकेंड शिफ्ट के बारे में द सी ओ पी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज मोर आंसर इज इज मोर देन वन जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होती है क्वेश्चन नंबर टू द एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज इन ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट इज जो एयर कूलिंग सिस्टम जो मोस्टली यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर वो होता है फ्रेंड्स बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर थ्री द हाइयर टेम्परेचर इन वेरियस कंप्रेशन साइकिल ऑकर्स एट जो हाइयर टेम्परेचर होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल में वो किधर होता है फ्रेंड्स फ्रेंड्सर कंप्रेसर डिस्चार्ज में इन रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ई वेपोरेटिंग रेफ्रिजरेंट एंड द मीडियम कूल्ड शुड बी जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा ई वेपोरेटिंग रेफ्रिजरेट और मीडियम के बीच हमेशा लो रखना चाहिए अब एज पॉसिबल थ्री डिग्री सेंटीग्रेड टू ग्यारह डिग्री सेंटीग्रेड द ई वेपोरेटर चेंज द लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपांसन बॉल इन टू आंसर इज लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट जो ई वेपोरेटर होता है लो प्रेशर लिक्विड को रेफ्रिजरेंट को एक्सपांसन बॉल की मदद से वहाँ से लो किस में कन्वर्ट करता है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर कलरलेस ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका न तो कोई रंग है न ही कोई ऑर्डर है और न ही वो नॉन फ्लेमेबल है मतलब वो फ्लेम आसानी से फ्लेम नहीं होती इफ ए गैस इज टू बी लिक्विडफाई इट्स टेम्परेचर मस्ट बी आंसर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर यदि हम किसी गैस को लिक्विफाइड में कर रहे हैं यानी कि द्रवीकरण कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल होगा क्वेश्चन नंबर एट द लोवेस्ट थर्मल डिफ्यूजिटी ऑफ आंसर इज रबर सबसे ज़्यादा थर्मल डिफ्यजिटी होती है वो लोवेस्ट होती है रबर की थर्मल डिफ्यूजिटी को हम एल्फा से डिनोट करते हैं एल्फा बराबर के अपॉन रोसी क्वेश्चन नंबर नाइन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो लिक्विड का वो होता है प्रेशर अबो विच लिक्विड बिकम्स वेपर जिसमें वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर टेन सेक्शन पाइप डायमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेशर इन कंपेरिजन टू डिलीवरी साइड इज जो हमेशा बिगर होता है द सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज ए हीट पंप इज गिवन बाय जो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है रेफ्रिजरेटर की उसको हम हीट पंप्स की कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है वो होती है फ्रेंड्स सी ओ पी ऑफ हीट पंप इक्वल टू कॉफिशियट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ जो जो प्रेशर होता है मॉइस्चर का रेफ्रिजरेंट के अंदर वो वर्क किसकी वर्किंग को अफेक्ट करता है वो है एक्सपांसन वॉल्व कर्व लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट्स जो हमारी कर्व लाइन होती है साइकोमेट्रिक चार्ट्स में वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंडिकेट करती है मोस्ट थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन बॉल्स आर सेट फॉर ए सुपर हीट ऑफ फाइव डिग्री सेंटीग्रेड जो थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन बॉल होते हैं उनको सुपर हीट पर हम कौन से टेम्परेचर पर सेट करते हैं वो है पाँच डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीओन ग्रोप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर आंसर इज नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल जो फ्रीओन ग्रोप के जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो नहीं तो नॉन टॉक्सिक है मतलब कोई भी नुकसानदायक नहीं है एंड नॉन इन्फ्लेमेबल है द बैंक ऑफ ट्यूब्स एट द बेक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज आंसर इज कंडेंसर ट्यूब्स जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है जो भी फ्रिज है उसके पीछे जो छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती है लंबी सी पतली सी और बाय मीटर की वो कौन सी ट्यूब्स होती हैं वो कंडेंसर ट्यूब्स होती है फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब एजुकेशन चैनल थैंक यू फ्रेंड्स